खबर का रुख करेंगे और खबर भोपाल से देखेंगे, जहां पर आपको बता दें कि भोपाल में वर्षा करने वाला सिस्टम नहीं होने से प्रदेश में लगातार कई दिनों से हो रही भारी बारिश अब रुकेगी। 23-24 अगस्त के बाद एक बार फिर से सिस्टम बनेगा और प्रदेश में बारिश फिर से होगी। प्रदेश में कुछ जिलों को छोड़कर सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी और बारिश की स्थिति में मध्य प्रदेश में सामान्य से 19% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश मंदसौर में और सबसे कम सीधी में हुई है, तो वहीं प्रदेश में 4 जिलों में सबसे कम बारिश सीधी, शहडोल, ग्वालियर, पन्ना, बालाघाट में हुई। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अभी प्रदेश में 1 महीने तक और बारिश होने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में जिन जिलों में कम बारिश हुई है वहां पर सामान्य बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे ऐसे लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगा पूरे प्रदेश में, संभावना है। गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है कहीं कहीं, और जो सिस्टम था वो तो साउथ हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के पास है, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो था तो काफ़ी ऊपर हो गया प्रदेश से। केवल नॉर्थ वेस्ट एमपी में थोड़ा बहुत रेन हो सकता है, फिर भी भारी वर्षा की संभावना शायद आज से नहीं रहेगी।